दोस्तों आज के इस वीडियो में देखिए खाना खाने के बाद वो कौन से काम हैं जो आपको कभी नहीं करने चाहिए। जी हाँ, खाना खाने के बाद आपको कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। आप एक बार ये चौंकेंगे क्योंकि खाना खाने के बाद हम पानी ज़रूर पीते हैं। दोस्तों जब हम अपना खाना कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उस वक्त पेट में काफ़ी जो है वो हीट जनरेट होता है ताकि खाना पचाया जा सके। ऐसे में अगर आप पानी पी लेते हैं तो ये जो अंदर में अग्नि जल रही होती है उस पर पानी डालकर उसे ठंडा कर देने जैसा काम होता है। तो इसलिए अगर आप खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं या ठंडा पानी पीते हैं तो पाचन की प्रक्रिया जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो आप अपने खाने के साथ पानी का ग्लास ज़रूर रखें, कहीं आपको किसी भी समय हिचकी आ सकती है या आपको खाने में अगर कोई तकलीफ़ होती है तो आप एक दो घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीने से बचें। इसके साथ ही खाना कंप्लीट होने के बाद कई लोगों को चाय या कॉफ़ी पीने की आदत होती है, तो चाय और कॉफ़ी पीना भी जो है वो खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में जो चाय और कॉफ़ी हैं इनका जो नेचर है वो थोड़ा एसिडिक होता है और कॉफ़ी में कैफीन होता है, इससे जो पाचन की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं और उसके बाद चाय कॉफ़ी पीते हैं तो पेट को अंदर भोजन को पचाने में बहुत मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद आपको चाय कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद किसी भी किस्म का नशीले पदार्थ का सेवन जैसे कि शराब हो गया या फिर स्मोकिंग वगैरह वो भी नहीं करनी चाहिए, इससे पाचन पर बहुत असर होता है। भोजन करने के बाद कुछ लोगों को फल खाने की भी आदत होती है। जी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत आदत है। अगर आपको फल खाने ही हैं तो आप खाना खाने से पहले खाइए, ना कि खाना खाने के बाद। दरअसल जब आप फल खाते हैं तो खाने में जो पोषक तत्व हैं उसके साथ फलों में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो भी मिल जाते हैं, और इस तरह से फूड के जो पोषक तत्व हैं उनके अवशोषण को ये थोड़ा कम कर देते हैं। तो इसलिए फल खाने की आदत अलग से रखें और आपका जो भोजन है वो आप अलग से खाएं। दोस्तों आपने सुन रखा होगा कि खाना खाने के बाद वॉक करना चाहिए। जी नहीं, खाना खाने के बाद बिल्कुल भी ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहिए। आप हार्डली 50 से 100 कदम तक चल सकते हैं, उससे ज़्यादा ना चलें। दरअसल जब आप चलना शुरू करते हैं तो आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पाँव की तरफ जाता है, जबकि आपका जो भोजन पचाने की प्रक्रिया है उस समय ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा स्टमक तक पेट तक होना चाहिए। ऐसे में आपको अपने पैरों को आराम देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका खाना आसानी से पच सके इसके लिए आपको ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। जी हाँ, एक्सरसाइज करने से जो है वो आपके पूरे बॉडी में काफ़ी हलचल होती है, और फिर अगर आप खाना खाए रहते हैं तो इससे पाचन प्रक्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, बाधित हो सकती है। तो आप भोजन के बाद वृक्षासन कर सकते हैं, ये पाचन प्रक्रिया को ठीक करता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी हैवी एक्सरसाइज एरोबिक्स बिल्कुल भी खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो नहाने के लिए चले जाते हैं। जी नहीं, खाना खाने से पहले ही नहा लेना है, खाना खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए। दरअसल जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो आपके शरीर में काफ़ी ठंडक आती है और आपका शरीर जो है रिलैक्स होने लगता है, लेकिन उस वक्त आपके पेट में एक भोजन पचाने की प्रक्रिया चल रही होती है, ऐसे में ये आपके पाचन को भी स्लो करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि खाना खाने के बाद अगर आप ये कोई भी गलती करते हैं तो इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आया होगा कि ये तमाम जो गलतियां आप कर रहे हैं उसे नहीं दोहराना है, उसे आज ही बंद कर देना है।